बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाफर अफरीदी। आज की वीडियो में वर्टिकल कर्व के ऊपर मैं बात करूँगा कि अगर हमारे पास वर्टिकल कर्व है वो हमने कैसे एक्सेल शीट में कैलकुलेट करना है। आज इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले वीडियोज़ में वर्टिकल कर्व के रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसकी कितने टाइप्स है और इसका मैनुअल कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। इंशाल्लाह पूरा प्रोसीजर आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है वो एक्सेल शीट के रिलेटेड है कि अगर हमारे पास वर्टिकल कर्व है तो वो हमने एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट करना है। डियर फ्रेंड, इसके अलावा अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एलिवेशन अगर उसके में हमने कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेट लाइन की एलिवेशन भी हम इस एक्सेल शीट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये डाइग्राम आप देख रहे हैं कि हमारे पास G1 है और G1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट ग्रेड, और यहाँ पे VPC वर्टिकल पॉइंट कर्व, जहाँ से हमारा कर्व स्टार्ट होती है ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, और यहाँ पे VPT वर्टिकल पॉइंट टेंजेंट, जहाँ पे हमारा वर्टिकल कर्व ख़त्म होती है, और यहाँ पे G2 है, ये हमारा सेकंड ग्रेड है, और इसके टॉप पे आप देख रहे हैं कर्व लेंथ। तो डियर फ्रेंड, अगर हमारे पास वर्टिकल कर्व है तो वो हम कैसे इसके एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास G1 है, G1 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सपोज़ यहाँ पे हमारे पास G1 है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेना है 0.52, ये मैंने प्लस में देना है और मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो G2 है, G2 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ -0.321 और मैंने एंटर करना। एंटर करने के बाद वर्टिकल पॉइंट, ये हमारे पास वर्टिकल यानी VPC का चिन्ह जो है यहाँ पे मैंने 0.0 देना है, लेकिन यहाँ पे आपने एक्चुअल जहाँ से आपका वर्टिकल कर्व स्टार्ट है एक्चुअल चिन्ह यहाँ पे आपने देना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने 0 लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल कर्व का एलिवेशन है स्टार्ट पॉइंट का, वो एलिवेशन यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सपोज मैंने देना है 504.1 और मैंने एंटर करना। एंटर करने के बाद लेंथ ऑफ कर्व, हमारे पास कर्व की कितनी लेंथ है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 50 मीटर, और नीचे हमारे पास जो रिक्वायर्ड चेंज है, कितने चेंज पे एलिवेशन चाहिए, यहाँ पे मैंने देना है 12.5 और मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद डियर फ्रेंड, नीचे आप देख रहे हैं कि इसने इस चेंज यानी इस आरडी का एलिवेशन इसने कैलकुलेट कर दिया। तो इस शीट की मदद से हम वर्टिकल कर्व, चाहे वो अप एंड अप है, चाहे वो अप एंड डाउन है, चाहे वो डाउन एंड डाउन है, जो भी कर्व है हम इस एक्सेल शीट की मदद से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और हमने स्ट्रेट लाइन की हमें एलिवेशन चाहिए तो हम इस शीट की मदद से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सपोज स्टार्ट जो पॉइंट है, चेंज मैंने यहाँ पे देना है 0, स्ट्रेट लाइन है, स्टार्ट जो हमारा इसका चेंज है 0 है, लेकिन स्टार्ट पॉइंट का हमारे पास जो एलिवेशन है यहाँ पर मैंने 100 देना है, और हमारे पास कितना स्लोप है, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 0.5 स्लोप है, नीचे कितने मीटर पे हमें एलिवेशन चाहिए, तो यहाँ पे सपोज़ मैं दे रहा हूँ कि मुझे चाहिए एलिवेशन 20 मीटर फासले पे, तो यहाँ पे 20 लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने ऑटोमेटिकली एलिवेशन कैलकुलेट कर दिया किस पॉइंट का, 20 चेंज जो हमारा जो RD बन रही है इसका इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। फ्रेंड, इस शीट की मदद से हम वर्टिकल कर्व और स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।